सर ये आयुष दुबे, सर्वल नंबर 20। सर मैंने भी एक्सपेरिमेंट वन कर दिया है सर, मैं सर एक्सपेरिमेंट टू आज कर दूंगा सर। ठीक। ओके सर। हाँ हिमांशु। यस सर। हाँ ये बताओ डायोड करंट की इक्वेशन क्या होती है? ID equal to IS e की पावर VD e to the e की पावर VD नीटा VT। तो हमको ये बताओ कि इसमें नीटा और VT क्या है? नीटा जो है हमारा सर, नीटा सर हमारा सर मटेरियल पर हमारा सर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे सर मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। जैसे सर हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया सर, सिलिकॉन के लिए हमारी सर 2 होती है, जर्मेनियम के लिए 1 होती है। और सर को और जो हमारा वीटी होता है सर, वोल्टेज एट द वोल्टेज एट सर सर गिवन टेम्परेचर होता है। यस सर। ठीक है बेटा, अपना वीडियो ऑफ कर दो। हिमांशु। हिमांशु सिंह है? नो सर। जतिन? नो सर। जतिन ने तो आई गेस ज्वाइन किया था। ठीक है। 28 ज्योतिरादित्य। यस सर। वीडियो ऑन करो। यस सर। हाँ ये बताओ बेटा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए? यस सर। सेकंड वाला भी सर सबमिट करना बाकी है, अभी आपने कल ही अपलोड किया है। ठीक है ठीक है, सबमिट कर देना। ये बताओ जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, पी साइड और एन साइड में डोपिंग कौन कौन से टाइप की होती है? सर पी साइड में सर ट्राइवेलेंट और सर एन साइड में सर पेंटावेलेंट। हेलो। अच्छा पी टाइप में मेजॉरिटी के एरर कौन होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी के एरर कौन से होते हैं? सर पी टाइप में सर मेजॉरिटी होते हैं सर सर होल्स और सर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। जब हम फॉरवर्ड करंट फ्लो कराते हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सर एन टू पी। फॉरवर्ड बायस। सॉरी सर पी टू एन सर। ठीक है अपना वीडियो ऑफ। ठीक है रिवर्स बायस में एन टू पी और फॉरवर्ड बायस में पी टू एन। ट्वेंटी नाइन कौशिक। यस सर। कौशिक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया? यस सर, पहला वाला सबमिट कर दिया सर, दूसरा वाला आज शाम तक कर दिया। ये बताओ फॉरवर्ड बायस में
जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन वोल्टेज के साथ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? सर जब हम लोग सर इंक्रीज होती है, डिप्लीशन इंक्रीज होती है, उसका करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सर सर कुछ टाइम तक करंट कांस्टेंट रहता है, उसके बाद सर फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है। ये बताओ फॉरवर्ड बायस में तुम डिप्लीशन वेव इंक्रीज करा रहे हो, ठीक है, अगर डिप्लीशन वेव इंक्रीज करेगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा? डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? N to P. और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? P to N. ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर दूं। कृष्णा, मनीष दोनों लोग नहीं आएंगे इसमें? कोई ऐसा तो नहीं था जो लास्ट क्लास में अपना वाइवा नहीं दे पाया और अभी अवेलेबल है? क्योंकि वर्चुअल लैब थोड़ा सा लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो अभी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को वीडियो की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे। Zener diode. The aim is to draw characteristic curve of Zener diode and determine reverse breakdown voltage. Apparatus needed: a Zener diode, variable battery, resistance, milliammeter, and a voltmeter. क्या वीडियो का वॉइस क्लियर है? Theory: Zener diode is normally used in reverse bias. Reverse bias current is negligible until a specific value of voltage called the breakdown or the reference. And here there is a reverse breakdown. The positive of the battery is connected to the positive of the voltmeter. So the positive of the battery is connected to the positive of the voltmeter. The negative of the battery is connected to the negative of the voltmeter. So the negative of the battery is connected to the negative of the voltmeter. The negative of the milliammeter is connected to the negative. So negative of the milliammeter is connected to the negative of the battery. The positive of the milliammeter is connected to the P side of the Zener diode. So this is the positive of the milliammeter is connected to the P side of the Zener diode. And the positive of the battery
is connected to the N side of the Zener diode. So the positive of the battery is connected to the N side of the Zener diode. So you can see the connection here. Positive of the voltmeter is connected to the positive of the battery. Negative of the voltmeter is connected to the negative of the battery. Positive of the milliammeter is connected to the P side of the Zener diode. And again, positive of the battery is connected to the N side of the Zener diode. Negative of the milliammeter is connected to the negative of the battery. Zener diode is slightly different from PN diode. The depletion layer in the Zener diode will be very thin, and the depletion layer depends upon the amount of doping. So Zener diode is highly doped PN junction, and in reverse breakdown region, even after taking in a large amount of current, it does not burn out. In Zener diode, the reverse current is due to the influence of electric field, and in PN junction diode, the reverse current is due to the free electrons because of covalent bond. So Zener diode is a regulator voltage, so that's a voltage regulator, and provides a constant voltage, whatever be the input voltage. And here, the Zener diode is connected in series with a resistor, that is, series resistor limits the current and prevents the Zener diode from burning out. The N, that is the negative of the Zener diode, is connected with the positive of the battery, and the negative of the battery is connected with the P side of the Zener diode. Voltmeter is connected in parallel and milliammeter is connected in series. Here we can take the readings along the lower graduated scale, that is around 0 to 10. For the voltmeter, and the least count is 0.2 volts. For the ammeter, again the graduated scales are from 0 to 10, and the least count for this ammeter is 0.2 milliampere. For zero in the voltmeter, ammeter reading is 0 milliampere. For 0.2, it is 0. 0.4, it is 0. 0.6, it is 0. 0.8, it is 0. 1, it is 0. 1.2, it is 0. 1.4, it is 0. 1.6, it is 0. 1.8 is 0. So 2 is again 0. So now in the each graduated scale, in small steps, you have to take the voltmeter reading and check the corresponding ammeter reading in milliampere. So now for 3, it is 0. For 4, it is again 0. For 5, it is 0. For 5.2, it is 0. For 5.4, it is 0. For 5.6, it is 0. For 5.8, it is 0. For 6, it is 0. For 6, it is 0. For 6.2, it is 0. For 6.4, it is 0. For 6.6, it is 0. For 6.8, it is 0. For 7, it is 1.
for 7.2 it is 1.8, for 7.4 it is 2.6, for 7.6 it is 3.4, for 7.8 it is 4.2, for 8 it is 5.2, for 8.2 it is 6.2, for 8.4 it is 6.8, for 8.6 it is 6.6, sorry, 7.6, for 9 it is 9.4, for 9.2 it is 10, for 9.4 the milliampere goes out of range. We have to write down the observations for the voltmeter reading and ammeter reading in milliampere. For 0 it was 0, for 1 it is 0, for 2 it is 0, for 3 volt again 0, for 4 volt 0, for 5 volt it is again 0 milliampere, for 6 volt 6.4 volt it is 0 milliampere, for 6.6 volt it is 0.8 milliampere. So here you can see that there is a steep increase in the current for increase in 0.2 volt of the voltmeter. For 7.4 it is 2.6, for 7.6 it is 3.4, for 7.8 it is 4.2 milliampere, for 8 it is 5.2 milliampere, for and for the 9.4 and the output current in milliamperes in the y-axis, and it is plotted in the third quadrant. So here the scale taken was one unit is 1 milliampere, and on the x-axis, and on the y-axis one unit is 1 volt, and the breakdown zener voltage is 7.2 volt. Result, the reverse breakdown voltage. Sabhi ko meri voice clear aa rahi hai? Yes sir. Dekho is experiment pe hum logo ne basically kiya kya, ek zener diode ko ek kuch इस तरह के कनेक्शन में कनेक्ट किया, ठीक है, एक्सटर्नल डायोड को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, ठीक है, ये एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और एक्सटर्नल डायोड को हमने रिवर्स बायस में, बैटरी देखो एन साइड से पॉजिटिव और पी साइड से नेगेटिव कनेक्ट, पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगाया है और डायोड के सीरीज में हमने मिली एम्पियर लगाया ताकि हम डायोड के अप्रॉक्स वोल्टेज और डायोड से जाने वाली करंट मेजर कर सकें। उसी के बाद हमने फिर इस सर्किट के हिसाब से हमने इस तरह से ये सारे कनेक्शन किए, ठीक, हमने क्या किया डिफरेंट कनेक्शन, हमने बैटरी का पॉजिटिव साइड हमने एन से कनेक्ट किया और वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, बैटरी का नेगेटिव साइड जो था उसमें उसको वोल्टमीटर और डायोड के पी साइड से कनेक्ट किया, जो मिली एम्पियर था उसको हमने कैसे कनेक्ट किया यहाँ पे वोल्ट मीटर और पी साइड के नेगेटिव में, और जो मिली एम्पियर का नेगेटिव था उसको यहाँ बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये देखो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लगा हुआ। उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ पे जो नॉब लगी हुई थी,
ये जो नॉब लगी हुई थी, इस नॉब को घुमा के हम जो हमने बैटरी लगाई है उस बैटरी से हम क्या कर रहे हैं, उसका बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। इनिशियली जब वोल्टेज तुम इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि ये वोल्टेज रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है तुमने, तो रिवर्स बायस में इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं होती। तभी एक सर्टेन वोल्टेज तक जो रीडिंग्स थी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वो जीरो आ रही थी। एक मिनट बेटा होल्ड करना। तो हमने क्या किया, जब हम जैसे जैसे वोल्टेज को चेंज कर रहे थे, इनिशियली हमारी करंट में वेरिएशन नहीं था, करंट हमारी जीरो। ठीक, वो क्या शो कर रहा था कि हम रिवर्स बायस में है और अभी तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आया है और हमारी करंट जीरो जा रही है। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, यानी जब वोल्टेज V इज इक्वल टू 7.2 था, जैसे ही जनरेटर डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज 7.2 से ऊपर गया, तो मैं धीरे धीरे करंट में इंक्रीमेंट दिखाई दे। और ये जैसे जैसे अगेन हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, ये जो तुम्हारा करंट थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक, तो इस तरह की हमें ये रीडिंग्स मिलेंगी। ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे और इन रीडिंग्स को जब तुम एक्सपेरिमेंट अपना लिखना, तो वहाँ पे उन रीडिंग्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। इन रीडिंग्स को कम्प्लीट कर लेना और इन रीडिंग्स की ही हेल्प से यहाँ पे हम लोगों ने ये ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, दैट इज व्हाई यहाँ पे ऐसे ग्राफ टिल्ट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस बोल देना। वन, टू, यस सर, थ्री, सर रोल नंबर टू, हाँ चल रहा है, थ्री, ओके सर, फोर, फाइव, रोल नंबर फाइव, सिक्स, यस सर, सेवन, एट, नाइन, टेन, यस सर, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, सर, फोर्टीन, यस सर, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, प्रेजेंट सर, एटीन, प्रेजेंट सर, नाइनटीन, प्रेजेंट सर, बाकी 20 ऑनवर्ड सबकी अटेंडेंस मार्क है, क्योंकि उनमें फाइबर दिया ही है। ठीक है, ठीक है, तो मीटिंग अभी एंड करते हैं और इन केस इस एक्सपेरिमेंट का एक बार भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, एक बार इस वीडियो को देखना। इन केस कुछ भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।